आज हमारे बीच में चाय विथ राय की चर्चा के लिए आज पांच ऐसे युवा जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले इन पांचों बच्चों से आप लोग को परिचय करा दूं, इन लोग से आप रूबरू हो सके और यह जान सके कि इनके दिमाग में क्या ख्यालात हैं, ये क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आफरीन फातिमा जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने बीकॉम के साथ साथ एग्जामिनेशन कंप्लीट किया है। सुदीप घोषाल जी हमारे साथ में हैं, जो बीकॉम के साथ साथ कर रहे हैं। हमारे बीच में अमन सिंह जी हैं, जो साथ साथ में सीए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अंकिता सिंह जी हैं, जो साथ साथ में सीए में फाइनल ईयर में हैं, और सुष्मिता गुप्ता जी हैं, जो साथ साथ में सीए में कर रही हैं। वेलकम के बाद बगैर किसी औपचारिकता के मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा, और सबसे पहले मेरा प्रश्न अंकिता सिंह से होगा कि अंकिता सिंह जी, आप बीकॉम के साथ साथ जो दो साल आपने बीकॉम के गुजारे, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर, इन दोनों वर्ष में आपने घर में बैठ के एग्जामिनेशन दिया, तो आपको इसके कोई नुकसान या फायदे, या आप क्या सोचती हैं अंकिता सिंह जी? सर, एज अ सीएमए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल था, और एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल ही था, क्योंकि कंट्री सिटी ऐसे स्टेट में थी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं था, और सर ये दो साल हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी, तो हमारे लिए भी ऑफलाइन पेपर देना पॉसिबल नहीं था। सुष्मिता जी, आप क्या कहना चाहोगी इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए? इनका कहना है कि इनके लिए बेनिफिशियल था, ऑनलाइन पढ़ाई की थी, तो सुष्मिता जी क्या सोचती हैं? सर, अगर मैं बताऊं, एज अ नॉर्मल पर्सन ये ठीक था कि इतना नहीं हो सकता, कंट्री जिस स्टेट में थी कंडक्ट नहीं करवा सकते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। और अगर मेरा पर्सनल व्यू कहूं मैं, सीएमए था सर, कई कंटेंट सीएमए का और बीकॉम का सिमिलर है, तो वो वहां पे एडजस्ट हो जा रहा था। बट अगर सर मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम लास्ट पेपर था, मैं बहुत खुशी से आई थी, क्योंकि वहां मुझे लगा कि मेरा कुछ तो कंट्रीब्यूशन था इस रिजल्ट में। अभी कुछ किया नहीं, ऐसे साल भर ऐसे ही पास हो गया, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं थी मेरे लास्ट पेपर के दिन। सुष्मिता जी का कहना यह है कि कुछ रिजल्ट को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कि फर्स्ट ईयर में हम अच्छा पेपर बनाते थे तो खुश होते थे, थोड़ा परेशान, लेकिन यहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं था एग्जामिनेशन को लेके। अमन सिंह जी क्या कहते हैं? सर, डेफिनेटली सबके लिए ये फायदेमंद ही हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए। बट सर, एक एग्जामिनेशन का एक फैक्टर होता है, एक नर्वसनेस होती है, वो बिल्कुल फील नहीं हो रही, क्योंकि हम घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं, तो वो आदत पड़ चुकी है। अब जब हम ऑफलाइन एग्जाम देने जाएंगे, तब जाके कहीं वो नर्वसनेस फील होगी, तो बस यही चीज कहीं मिसिंग थी। तो अमन सिंह जी का कहना ये है कि शायद जब ऑफलाइन अब देने जाएंगे तो वो नर्वसनेस या वो तैयारी में थोड़ी तकलीफ होगी। सुदीप घोषाल जी, आप क्या कहोगे? सर, जैसे अंकिता ने कहा कि हमने साल भर पढ़ाई ऑनलाइन की थी, पर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन में आ तो जाते हैं, इंटर कर लेते हैं, पर वो पढ़ते नहीं है सर, वो वीडियो ऑफ करके कोई घूमते रहते हैं। तो सर ये है कि सर, एक रहता है कि एग्जाम के हम लोग रोज अलार्म देते हैं सुबह उठने के लिए, पर उसमें भी उठ नहीं पाते, पर जब एग्जाम रहता है तो हमारा जो माइंड होता है वो सबकॉन्शियस बन जाता है, हमको अलार्म से पहले हम उठ जाते हैं, तो एक टेंशन रहता है कि हाँ एग्जाम है, तो वैसी कोई फीलिंग आती ही नहीं है सर। मैंने फर्स्ट ईयर में पेपर दिया, जैसे सुष्मिता ने बताया, हम बहुत मतलब जितना भी परसेंट आया वो हमने अपने खुद की मेहनत से किया है, पर दो साल में सर एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग घर में बैठ के लिख रहे हैं, बट पास हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये गलत है सर, कहीं ना कहीं मन में इस बात का मलाल है कि बगैर परीक्षा के हम पास हुए, इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है। हाथ रेस कर रही है। मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे सुदीप ने बोला कि कई लोग ऑनलाइन आ जाते हैं पर वो अटेंड नहीं करते हैं, सर हमारे साथ के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास साधन ही नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए, पर फिर भी वो अभी ऑनलाइन एग्जाम्स देके पास हो गए। तो सर मतलब कि अगर जी सर जी जी बोलिए बोलिए आप बोलिए सर, अगर ये एक नॉर्मल साल रहता जैसे हमेशा रहते आया, जैसे हम हर बार जाके ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं, अगर ये वैसा ईयर होता तो शायद मेरे को कोई मतलब तो मेरे को मुझे प्रॉब्लम होती कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों हो रहे हैं। अगर मैं रोज जाती, रोज क्लासेस अटेंड करती कोचिंग में, अगर लास्ट दो साल देखा जाए तो कोचिंग के अलावा शायद हम लोग और कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बीकॉम की। अगर जैसे पहले नॉर्मल था हर चीज, तो वैसे अगर नॉर्मल रहता तो सर
कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी कि ऑफलाइन हो, ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग मिस कर रहे हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कहाँ दिया है? आप लोगों ने तो होम बेस्ड एग्जामिनेशन दिया है, अपने घर में पेपर लिखा है और जमा कर दिया है। तो सुष्मिता जी, ऐसा नहीं लगता कि इसमें आप लोगों ने चीटिंग की है, या आप लोग क्या सोचते हैं ऐसा? चीटिंग तो सबने करी है, बस हमने नहीं करी है चीटिंग। मतलब अच्छे से अच्छा बच्चा टॉपर भी अगर अगर घर पे ऐसा एग्जामिनेशन होगा तो टॉपर भी ये चाहेगा कि मैं टॉप पे और टॉप करूं, पर सर जब एकदम सब ऐसा नहीं चीटिंग है कर कि रहे हैं। हमने सर ऐसा नहीं है कि एकदम हमने पूरा चीटिंग किया है। हमने पहले क्वेश्चंस को खुद बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई हमको हमारे पास आंसर आ गया तो हमने उसको पूरा प्रिंट कर दिया है। पहले उसको सॉल्व किया है, देखा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर सर गलत होगा तो फिर ऑफलाइन दे या ऑनलाइन दे, वो तो फिर रॉन्ग ही होगा ना सर। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम के हिसाब से दिए थे, पर चीटिंग तो हुआ है सर, ये तो बात कोई है ही नहीं। सुष्मिता जी, क्या आप लोग को जो परसेंटेज मिलेगा या जो चीजें मिलेंगी, आपने पहले भी कहा कि इससे थोड़ा सा मतलब आप मायूस हैं, खुश नहीं हैं, और बाकी लोग बड़ा डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, तो वहां आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एग्जामिनेशन हुआ वो, इसमें आपको लगता है कि आपकी योग्यता के साथ जस्टिस हुआ है? सर, मेरी प्रिपरेशन तो पूरी थी। लास्ट टाइम भी अगर ये कहते कि अगर ऑफलाइन होगा तो मैं प्रिपेयर थी उतनी कि जो भी हो, और रिजल्ट वैसे ही होगा जितना जैसे मैंने किया है, क्योंकि मैं प्रिपेयर थी तो मुझे उतना चीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी तरीके से। सर इसमें कोई कॉम्पिटिटिव पॉइंट आता ही नहीं है, क्योंकि सभी ने ऑनलाइन ही दिया है या फिर होम बेस्ड दिया है। अगर ऑफलाइन देते तो कॉम्पिटिटिव में साथ है। कंपटीशन की भावना खत्म हुई, आप लोग का कहना ये कि सबसे पहला इसमें से कंपटीशन की भावना खत्म हो गई। और सर सुधीर, बुरा लगता है ना सर कि कभी कभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमसे बेकार पढ़ता है, पर उसका परसेंट ज्यादा आ गया है, फिर वो हमारे सामने ही बोलेगा तो वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। कोई ऐसा ऐसे होता है बच्चे थे सर जो बीकॉम जो में डिजर्व तो नहीं करते थे पास होने का, पर वो भी पास हो जाएंगे, तो वही बस आप है। लोग डबल कोर्स कर रहे हैं, सीएमए और बीकॉम दोनों सर पैरेलली कर रहे हैं, तब आप लोग ये बातें कह पा रहे हैं। जो एग्जामिनेशन नहीं हुआ और होम बेस आप लोग जो एग्जामिनेशन दिए हैं, जैसे अमन जी बोल रहे थे कि एक कंपटीशन खत्म हुआ, सुधीर जी का कहना है कि ऐसे बच्चे जो हमसे अच्छा नहीं पढ़ते थे लेकिन घर में लिखने की वजह से ज्यादा नंबर पा गए, ऐसे बच्चे भी पास हो गए जो पास होने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ा सर ये है कि हम लोगों ने साल भर में सर कोचिंग की थी, भले ऑनलाइन की थी पर कोचिंग की थी। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको पता था कि हाँ ऑनलाइन ही होगा, तो उन्होंने कोचिंग भी नहीं की थी और उनको कोई प्रिपरेशन भी नहीं था। तो आप सुदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरे की खुशी से आप ज्यादा परेशान खुशी से नहीं हैं। सर, ऐसा जी नहीं है, सर, अच्छी सर मेरे को बात। सुदीप से बस ये पूछना है कि तुमने कभी देखा है किसी को पबजी खेलने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हुए? ऑनलाइन एग्जाम्स इज जस्ट लाइक दैट दैट यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड देन यू आर गिविंग ऑफलाइन एग्जाम्स। पर सर हम मतलब चाहते तो सर अगर थोड़ा सा अच्छे से मां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम दे सकते थे मेरे हिसाब से, बाकी मेरे को भी इशू नहीं है सर। नेक्स्ट टाइम सुधीर फिर से दे देना ये पॉसिबल ही शायद। नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम दे दिया जाए जहाँ पे हॉटस्पॉट बनना चालू हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने भी, मतलब सर यूनिवर्सिटीज भी स्टूडेंट्स के हिसाब से एक भी चीज नहीं करी। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करना था तो उसे 1-1.5 महीने पहले भी निपटाया जा सकता था। अगर कॉलेजेस में जाके देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा लगता है कि कोविड कभी था ही नहीं, लोग कोविड को भूल चुके हैं कॉलेजेस में। अगर आप जाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही हैं, स्टाफ भी वैसे ही है, इतनी भीड़ लगी रहती है, तो फिर हमने क्यों दिया? हम जाके फिर ऑफलाइन ही पेपर देते थे ना, जब ऑनलाइन शीट्स ऐसे कलेक्ट करनी थी कि आपको पहले नो ड्यूज का फॉर्म वो करना पड़ेगा। सर ये सब तो रिजल्ट के टाइम पे भी हो सकता है ना, जब बच्चा रिजल्ट कलेक्ट करने आए तब भी हम पता कर सकते हैं कि उसकी फीस पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, पर वो अभी पता करना है, अभी भी इकट्ठी करनी है ऐसे क्रूशियल टाइम पे। अंकिता जी बड़ी खूबसूरत बात कह रही हैं, या बड़ी ही गंभीर बात कह रही हैं, कि जिस समय अभी पेपर का कलेक्शन करने आप लोग जा रहे हो उस समय नो ड्यूज का कुछ फॉर्म भरना पड़ रहा है और बहुत बड़ी भीड़ है बच्चों के बीच में और स्टाफ के बीच में, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोरोना जैसा कोई बात है, तो इस तरीके का माहौल है कॉलेज में, क्या इस बात से अमन जी आप सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ऐसा है टीवी में भी दिखा रहे हैं सर, न्यूज में भी दिखा रहे हैं, कॉलेज में क्या हाल है, बिना मास्क के घूमते हैं स्टूडेंट्स, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, तो सर वही। आप लोगों ने पूरे 3 साल के कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सिर्फ 1 साल एग्जामिनेशन दिया है और आप ग्रेजुएट हो गए, आप लोगों को इसमें के बाद कैसा फील होता है? अंकिता जी आप क्या फील करती हैं इसमें? सर मेरा ये बोलना है कि कई बाहर की ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारा ये रिजल्ट वो ही नहीं करेंगी, मतलब उनके लिए हमारे रिजल्ट मान्य ही नहीं है,
कि तुम घर पे बैठ के एग्जाम्स दिए हो, क्योंकि उनको ही पता है कि इंडिया की स्थिति क्या है। न्यू बजट पॉलिसी के हिसाब से एजुकेशन को 6% मिलना चाहिए, पर इस साल 2.36% मिला है। इसीलिए शायद हमारे साथ ही कई ऐसे लोग थे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर, सोर्स ही नहीं है सर, तो कहाँ से कोई बच्चा अटेंड करेगा। है कितना गलत है कितना सही है वो तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस आप लोग की भावनाओं और इमोशंस को जानना चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं सिर्फ वन ईयर एग्जामिनेशन के बाद में, तो आप कैसा फील करते हैं और कैसा आपके दिमाग में। अमन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस एक अधूरापन सा लगता है सर एग्जाम्स का, मतलब वो कंपटीटर्स में बहुत मिस करते हैं, एक अधूरा मिस करते हैं। सुदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक अधूरापन से ही लगता है सर, बस ये है कि किसी के सामने जब बोलते हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनके दिमाग में यही वो पूछते हैं कि ग्रेजुएट मतलब कोई सीरियसली नहीं लेगा सर। हाँ सीरियसली नहीं लेता है, पर ऐसा है सर कि आगे जाके बीकॉम रिजल्ट मैटर करता है, बट उससे भी ज्यादा हमारा पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन और नॉलेज मैटर करता है। मतलब मेरे को नहीं लगता उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग को कोई बीकॉम के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में कांग्रेचुलेशन बोलता है तो आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? Yes, मतलब वो फीलिंग नहीं आता, जो एग्जाम देके पास करते हैं वो वाली फीलिंग नहीं आती है। पूरी सहमति से सब लोग मुंडी हिला रहे हैं कि हाँ यार। संगीता जी आपके मन में क्या ख्याल आता है? सर मेरे को तो पहले घर पे ही थोड़ा हैरासमेंट झेलना पड़ता है, क्योंकि एक साल तो सर मेहनत करके पेपर दिए हैं। अब सर ये हमने थोड़ी ना कोविड लाया, कोविड तुम आ जाओ तो हम पेपर नहीं देंगे, ये तो हर बच्चे के साथ हो रहा है। तो वैसे मेरी भी स्थिति समझना चाहिए कि जब हर के साथ हो रहा है तो मैं अकेले थोड़ी ना पहुंच जाऊंगी कि नहीं मुझे तो ऑफलाइन पेपर ही देना है क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सर बहुत प्रॉब्लम होती है जब सामने से लोग आते हैं, अरे अरे तुम रहने दो, तुम ये सब बातें मत करो, तुम ऑनलाइन वाले बच्चे, तुमको कुछ नहीं आता। सर बहुत बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल। अमन जी सर मतलब अगर ये अकेले किसी के लिए होता तो समझ आता, बट ये सबके साथ हो रहा है तो उतना मैटर नहीं करेगा। सबके साथ अगर कोई तकलीफ है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, ये बोलना चाह रहे हो आप? जी सर। सुदीप जी जैसे अंकिता ने कहा कि ये प्रॉब्लम तो सर सबको फेस करनी पड़ती है, पर कहीं ना कहीं जब हम ये बोलते हैं कि हम सीएमए फाइनल में हैं, सीएमए के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा लोग उतना रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये सीएमए है, तो बहुत कुछ ऐसे भी बीकॉम और सीएमए के कोर्सेज एक सेम है। तो आप कवर अप कर लेते हो कि ऊपर से मैं सीए कर रहा हूँ या सीएमए कर रहा हूँ, उसके अंदर आप बीकॉम को कवर कर लेते हैं। यस सर, यस सर। अम्ब्रेला का काम कर रहा है आप लोग का सीएमए और सीए। यस सर, पर कभी कभी उनके बारे में सोचो जो बस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले थे, तो उनके लिए बुरा लगता है। yes, हमारा तो है, हमारा तो है एक सेकंड ऑप्शन, उनका क्या है? अगर पूरा देखते हुए चले तो फिर बहुत खराब है। कहने का मतलब ये है कि साल भर बच्चे ने साल भर में क्या किया, तो घर में लिख के एग्जामिनेशन दिया, ऐसा लगता है। yes, सर बुरा हमको लगता है, पर उनसे जाके पूछो कि कैसा फील हो रहा है, तो वो तो मतलब इतना खुश है कि इससे पहले कभी नहीं होंगे, इतने ज्यादा खुश हैं हम लोग एग्जाम के। इसका मतलब ये है कि बच्चे, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आजकल के बच्चे या आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग जो पढ़ते हैं रिजल्ट को देख के पढ़ते हैं, नॉलेज को ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, पढ़ लिए अब एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है तो कौन पढ़े, ऐसा चल रहा है। बीकॉम तो बस इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपके साथ बैठ के पढ़ने मिलेगा तो नॉलेज तो अपने आप आएगी आएगी। तो सर बीकॉम का सेकेंड ईयर में पता था कि ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, थर्ड ईयर में पता था ऑनलाइन पेपर होगा, पर यही पता था कि आपके साथ क्लासेस आना है, बैठना है, तो नॉलेज अपने आप आ जाएगी, इसीलिए पढ़ लिए। हाँ अमन जी कुछ बोलना आप कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर मान लो आप लोग को अगर सजेशन देना हो तो आप लोग अगर इस तरीके से अगर गवर्नमेंट को या किसी को अगर एक सुझाव देना हो तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहते हैं अमन जी कि इस बार कैसे एग्जामिनेशन होना चाहिए था? ऑनलाइन होना चाहिए सर, अगर यूनिवर्सिटी के पास वो टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन लेने वाली होती तो डेफिनेटली ऑनलाइन हो सकता था। यानी अमन का कहना यह है कि होम बेस की जगह ऑनलाइन होना चाहिए था। हाँ सुष्मिता जी आप? सर ऑनलाइन ही बेटर रहता अभी जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती। yes, आपको मतलब ऑनलाइन बेटर रहेगा या होम बेस जो आप लोग एग्जामिनेशन दिए हैं वो वैसा चाहते हैं आप लोग? सर अगर कॉलेज और जितने बच्चे हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो दे सके उस ऑनलाइन मोड पे तो ऑनलाइन बेटर रहेगा। आप लोग को नहीं लगता है कि बाकी तो सब चीजें खुली रहती हैं, आप लोग का सिर्फ एजुकेशन ही बंद है, बाकी हर चीज खुली हुई है। Yes, सर, जब चुनाव हो सकते हैं तो सर एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, पर एक दिक्कत ऑनलाइन में ये है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन को अच्छे से मतलब कई ऐसे बच्चे जो विलेजेस में रहते हैं तो वो इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत है। अंकिता जी
सर मेरा तो यही बोलना था शुरू से, मैंने शायद आपको ही बोला और मैंने अपने दोस्तों को बोला, ये दोनों जो साल हुए हैं इनको मैं अपने जीवन में मान्य नहीं मानूंगी। मैं अभी भी 18 की हूँ, ये 2 साल मैं अपने जीवन में कभी काउंट नहीं करूंगी। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों साल काउंट ही नहीं करने, क्योंकि कहाँ से वो बच्चा पढ़ा, कहाँ से वो बच्चा सीखा, कहाँ से वो बच्चा नॉलेज गेन करा। 10वीं के बोर्ड्स कैंसर। बहुत सारी चीजों का ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग दोनों तरफ की बातें कर रहे हो, एक तरफ ये बोल रहे हो कि एग्जामिनेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ बोलते हो कि एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर बोलते हो ऑनलाइन होना चाहिए, फिर एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि सरकार इलेक्शन करवा सकती है तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले सकती। तो आप लोग ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज से हो गए हो, क्या कहना यस चाहोगे सर। दीप जी, क्या कहना चाहोगे अमन जी, क्या कहना चाहोगे? सर सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें, बट मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। आप एक ऑनलाइन के पक्ष में हो पूरी तरीके से। चलो अपने जूनियर को अगर एक लाइन में सजेशन देना होगा तो क्या सजेशन दोगे अंकिता जी? सर अगर वो लोगों को ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है तो फिर बेस्ट ऑफ लक, यू हैव टू डील विद द वर्ल्ड एंड योर। ट्वेल्थ के बच्चे जो बीकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं उनको क्या सजेशन दोगे? लो बीकॉम में एडमिशन लो, बीकॉम की पढ़ाई करो। बीकॉम भी उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा आने वाला सीए, सीएमए, सीएस, क्लैट, लॉ, जो भी जितना भी जरूरी है बीकॉम भी उतना ही जरूरी। ग्रेजुएशन इज मस्ट। वो उसका सर कुछ तो तर्क होगा ना, इसलिए वो बनाया गया है। ग्रेजुएशन इज मस्ट, बीकॉम में एडमिशन लो और पढ़ो। सुष्मिता, सर बीकॉम में एडमिशन लेना ही चाहिए, कम से कम वो जितने देर पढ़ेंगे कुछ तो नॉलेज गेन करेंगे। अगर हम साल भर आइडियल बैठे हैं और डेली 2 घंटा भी अगर हम वो पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। आपरीन सर अभी ऐसे टाइम है तो एटलीस्ट नॉलेज के लिए ले सकते हैं आप तो कुछ बीकॉम प्रोफेशनल में सर कोर्सेज ज्वाइन लेना कर। चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि भले ऑनलाइन एग्जाम हो पर आप उसमें कोचिंग लीजिए और ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे और आगे आपके फ्यूचर में वो काम आए। बिल्कुल अमन सर, स्टूडेंट की लाइफ में ग्रेजुएशन बहुत बड़ी चीज होती है तो डेफिनेटली बीकॉम लेना चाहिए। बीकॉम पढ़ना चाहिए, साथ में अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। ये थे हमारे ग्रेजुएशन करने वाले ऐसे बच्चे जो पिछले 2 वर्षों से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं और होम बेस एग्जामिनेशन दिए हैं, तो कुछ कंफ्यूज से, कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, उन यादों के बीच में ये अपनी बातों को रख रहे थे। हम अगले शनिवार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक अलविदा, नमस्ते, सत श्री अकाल।